क्या हाल है दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे इस कैमरे के बारे में। ये है कैनन M50 मार्क II कैमरा और ये एक मिररलेस कैमरा है कैनन की तरफ से आने वाला। प्राइस की बात बता देता हूं, 55,000 से 60,000 रुपए के बीच में ये आपको पड़ेगा। फ्लक्चुएट होते रहते हैं प्राइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और 55,000 से 60,000 रुपए के बीच में आपको किट लेंस के साथ ये कैमरा देखने को मिलता है। और क्या क्या इसमें आपको देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर, सबसे पहले भाई उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो भाई कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिलेगा, काफी कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है और ऊपर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो यहां पर हमें कैमरे का फोटो लगा हुआ देखने को मिलेगा। यहां पर इसके साथ जो किट लेंस है उसका फोटो दिखाया गया है। EOS M50 Mark II इसका मॉडल नंबर है। यहां देखेंगे तो 24.1 मेगापिक्सल का इसमें आपको सेंसर देखने को मिलता है। 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो। डुअल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी के साथ आता है और वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह इसमें आपको सब कुछ मिलता है। तो भाई सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। सील वगैरह तो मैंने पहले ही खोल दी थी इसकी। तो यहाँ देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ कुछ यूजर मैनुअल वगैरह और यहाँ पर आपको कुछ एक वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिल जाते हैं। पर ये एक स्ट्रैप देखने को मिलेगा जो कि आप अपने कैमरे की बॉडी पर लगा सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए कैमरे की। यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ये एक बैटरी, देख सकते हो आप, ये हमारा कैनन की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि हमारी 875 mAh की एक LPE12 बैटरी है। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिल जाती है जिसकी हेल्प से आप अपने कैमरे की बैटरी को चार्ज करोगे, तो ये चार्जिंग केबल है। और इसके अलावा जो एडाप्टर है वो ये मिलता है हमारा, ये हमारा चार्जिंग एडाप्टर है। कुछ इस तरीके का चार्जिंग एडाप्टर मिलेगा जिसमें आप चार्जिंग केबल लगाकर और अपनी जो बैटरी है उसको भाई चार्ज कर सकते हैं। भाई बॉक्स के अंदर इसका किट लेंस देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है हमारा किट लेंस। अगर इसकी बात करूं तो ये देख सकते हैं आप, 15 से 45 mm का ये किट लेंस आता है और इसमें आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का ये किट लेंस है। यहाँ से खोलोगे तो आप आगे से देख सकते हैं, फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं मेन अपने कैमरे की बॉडी जो कि इसमें रखी हुई है। भाई देखते हैं, भाई काफ़ी लाइट वेट लग रहा है भाई देखने में और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा साइज है इसका, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा भाई मेन बॉडी भाई कैनन M50 मार्क II की। और आप देख सकते हो भाई साइज़ देखो आप कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब मेरे एक हाथ में आ गया है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है क्योंकि मिररलेस कैमरा है। तो भाई मिररलेस कैमरा काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कैमरा है। फ्रंट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर ये उसकी ब्रांडिंग दी हुई है, कैनन लिखा हुआ है। और इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बटन्स वगैरह की बात करूँ तो ये देख सकते हैं आप, एक ही साइड में आपको सारे बटन देखने को मिल जाते हैं और इस साइड आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर फ्लैश वगैरह या माइक वगैरह आपको माउंट करना है तो उसके लिए यहाँ पर जगह दी हुई है। ये आपका आपका व्यू फाइंडर है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यू फाइंडर देखने को मिलता है। और ये जो बटन है ये आपका फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए बटन दिया हुआ है, इसी पर आपको डायल दिया हुआ है, यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह एक्सपोजर वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग का बटन दिया हुआ है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ये एक मल्टी फंक्शन बटन दिया हुआ है। और ये हमारे बेसिक्स कुछ इसमें मोड दिए हुए हैं, यहाँ से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि ऑटो मोड हो गया एंड मैनुअल मोड हो गया, स्क्रीन मोड हो गया, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमें ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया हुआ है, जैसे हम इसके ऐसे करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा, अभी ऑन नहीं है क्योंकि बैटरी नहीं डाली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बटन दिए हुए हैं ऐसे जूम वगैरह करने के, मेन्यू वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह, है ना, तो ये सब बटन मिल जाते हैं। और ये हमारी एक स्क्रीन देखने को मिल जाती है, ये एक्चुअली एक फ्लिप स्क्रीन है आप देख सकते हो। तो ये हमारी एक स्क्रीन देखने को मिल जाती है इसमें आपको। और अगर मैं बात करूँ इसकी नीचे की तरफ तो यहाँ पर हमें माउंट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ट्राइपॉड वगैरह पर माउंट कर सकते हो। और ये हमारा बैटरी का कंपार्टमेंट दिया हुआ है जहाँ पर हम अपनी बैटरी वगैरह डाल सकते हैं और मेमोरी कार्ड वगैरह डाल सकते हैं। और ये हमारा फ्लैश मिल जाता है इसमें, इनबिल्ट फ्लैश जो कि एक मैनुअल फ्लैश है, आप ओपन करके और फ्लैश वगैरह यूज कर सकते हैं इसका। और अगर मैं इस साइड की बात बताऊं तो यहाँ आप देखो यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर व्लॉगिंग वगैरह करते हो आप तो यहाँ पर आप भाई इसमें माइक लगाकर अपना वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और इस साइड की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें HDMI पोर्ट वगैरह दिए हुए हैं। तो चलिए ये सब कुछ हमें इसमें देखने को मिलता है। अब एक बार हम इसमें लेंस लगा के दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से आप इसमें अपना लेंस माउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लेंस भाई। अब सबसे पहले हम खोलते हैं इसको तो ये कुछ आपको आगे से इसमें सेंसर देखने को मिल जाता है। चलिए और अब हम अपने इस लेंस को खोलते हैं भाई। तो ये हमारा हो गया लेंस। और अब इसे माउंट करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको वाइट वाइट डॉट दिया हुआ है और
जो हमारा लेंस है इसमें भी आपको एक वाइट डॉट देखने को मिलेगा। दोनों को आपको मैच करना है और बस रोटेट कर देना है क्लॉकवाइज। तो ये हो चुका हमारा भाई लेंस इस पर फिट। अब एक बार देख लेते हैं भाई, तो कुछ इस तरीके का आपको लेंस लगाने के बाद भाई ये देखने को मिलेगा। तो अब इसमें हम अपनी बैटरी वगैरह भी डाल लेते हैं। तो ये हमारी डल गई इसमें बैटरी। और भाई और मेमोरी कार्ड की बात बताऊं तो ये भाई 64 GB का मेमोरी कार्ड है, ये अलग से ख़रीदा है, इसके साथ आपको मेमोरी कार्ड नहीं मिलता है। तो हम अपना अपने जो मेमोरी कार्ड है इसको भी अब इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने मेमोरी कार्ड और बैटरी दोनों डाल दिए हैं। चलिए अब इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑन करने का बटन है वो ये वाला है। तो पहले स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ मैं, इसकी देख लेते हैं स्क्रीन फ्लिप करके। तो इसकी मैंने स्क्रीन खोल ली है और जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप एक LED ब्लिंक होती है और ये हमारी स्क्रीन पर अभी लिखा रहा है कि पुश एंड होल्ड द लेंस स्विच इन डायरेक्शन एंड देन रोटेट द लेंस टू इनेबल शूटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें ना एक लॉक सिस्टम दिया हुआ है लेंस में, तो पहले आपको ये अनलॉक करना पड़ता है तब जाकर ये एक्टिव होता है। तो कुछ इस तरीके से आप अनलॉक कर सकते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं अब ये जो है अनलॉक हो चुका है और हमारा जो कैमरा है भाई ऑन हो चुका है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये लेंस इसमें से बाहर निकालना है तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में, ये आपको प्रेस करना है और कुछ इस तरीके से आपको एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसके लेंस को बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दी अनबॉक्सिंग करके कि क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलता है और कैसे कैसे आप इसको असेंबल कर सकते हैं लेंस वगैरह को। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 24.1 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिल जाता है और अगर मैं बात करूँ उसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको डिजिकेट का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि भाई काफ़ी तंगड़ा प्रोसेसर है। फोकसिंग की बात करूँ तो भाई इसमें आपको डुअल ऑटो फोकस देखने को मिलता है, यानी कि इसके फेस के साथ साथ आपकी जो आई हैं उनको भी ये ट्रैक करता है। तो मतलब जब भी आप वीडियो वगैरह शूट करते हो तो भाई साहब आपकी जो आंखें हैं ये हमेशा ट्रैक करेगा और जो आपका जो फेस है वो हमेशा फोकस में रहता है। तो उससे जो वीडियो की भाई परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी निकल के आती है। यहाँ पर आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब देखो 4K सुनकर ज़्यादा खुश मत होना, मैं बता देता हूँ, जब आप इसमें 4K में वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वो जो आपकी वीडियो है ये क्रॉप कर देता है। मतलब ये जो कैमरा है ये फुल फ्रेम सेंसर के साथ नहीं आता है, ये क्रॉप सेंसर है। तो इसमें जब भी आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्रॉप हो जाती है। और क्रॉप का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अभी आप मेरा जो फ्रेम देख रहे हैं ये अभी इतना बड़ा फ्रेम देखने को मिल रहा है, बट अगर आप 4K में वीडियो शूट करोगे तो वो जो है आपका जो फ्रेम है उसको छोटा कर देता है। 4K में जब भी आप वीडियो शूट करोगे तो वो क्रॉप कर देगा आपकी वीडियो को। और दूसरा भाई 4K में इसका जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो इतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो मतलब 4K आप भूल जाओ, मतलब है बट भूल जाओ। इसके अलावा दोस्तों इसमें आप 1080p पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो जो भाई काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। 1080p में बेहतरीन वीडियो क्वालिटी आपको इसमें मिलने वाली है और जो फोकस पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब फोकसिंग इसकी काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगी आपको 1080p। तो दोस्तों ये तो कुछ फीचर्स के बारे में बात हो गई, बट मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की, मतलब जब आप इस कैमरे को यूज करोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं और क्या क्या कमियाँ मिलने वाली हैं। क्योंकि मैं इसको 2-3 दिन से यूज कर रहा हूँ तो मेरे को जो चीज़ें इसमें एक्सपीरियंस किया है मैंने इनमें वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला फ़ायदा मिररलेस कैमरे का वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आपको व्यू फाइंडर मिलता है ये इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है और इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप व्यू फाइंडर में से देखकर फोटो क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो एक्चुअल में आपको व्यू फाइंडर से फोटो दिख रहा है वही बटन दबाने के बाद आपका रिजल्ट निकलने वाला है। मतलब जो आपको दिख रहा है, मतलब ब्राइटनेस कम ज़्यादा वो जो दिख रही है एक्चुअल में ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा आपको फोटो में। बट अगर आप DSLR वगैरह से फोटो क्लिक करते हैं तो वहां पर मैं आपको बता देता हूँ वहां आपको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर मिलता है और वहां पर क्या नुकसान है कि आपको फोटो जो दिख रहा है आपको नहीं पता, जो फोटो क्लिक होगा वो फोटो क्लिक होने के बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में फोटो कैसा आने वाला है। बट यहाँ पर भाई कुछ नहीं करना, आपको व्यू फाइंडर से देखना है। आपको लग रहा है ब्राइटनेस कम है, आप ब्राइटनेस डायरेक्ट बढ़ा सकते हो, यहीं से सेटिंग चेंज कर सकते हो और जो लाइव जो दिख रहा है आपको व्यू फाइंडर से वो ही आपका एक्चुअल में क्लिक होगा। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है मिररलेस कैमरे का। अब देखो दोस्तों दूसरा जो फायदा है जो मेरे को सबसे बढ़िया लगा है भाई वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आप व्यू फाइंडर देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक सेंसर भी दिया हुआ है, तो मतलब जब भी आप व्यू फाइंडर में देखोगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है और जो व्यू फाइंडर है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, वो सेंस कर लेता है कि आपकी आँख यहाँ पर आई है। और अगर जब भी आप अपनी आँख हटाओगे तो आपका जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाती है और आपका जो व्यू फाइंडर है वो ऑफ हो जाता है।
तो मैं बताता हूँ उसका फायदा क्या है। मैं DSLR यूज करता हूँ। DSLR में क्या, जब भी मैं फोटो क्लिक करता हूँ तो अगर मेरे को व्यू फाइंडर से फोटो क्लिक करना है तो जो डिस्प्ले है ये मेरे को क्या करना पड़ता है, ऐसे पूरी फ्लिप करके और ऐसे बंद करनी पड़ती है, तब जाके मेरा जो व्यू फाइंडर है वो एक्टिव होता है। अब फोटो क्लिक कर ली, अब फोटो देखने के लिए फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर मेरे को ऐसे स्क्रीन जो है अपनी बाहर निकालनी पड़ती है फोटो देखने के लिए। तो ये मेरे को भाई सबसे बड़ी दिक्कत लगती है। मतलब देखो अब इसमें क्या फायदा है, आप कुछ भी आप फोटो क्लिक करना चाह रहे हो, कोई भी मोमेंट का फोटो क्लिक करना चाह रहे हो, आप फटाफट से क्लिक करोगे और फटाफट से आप ऐसे हटाओगे तो आप अपनी स्क्रीन पर फोटो को देख सकते हो। आपको बार बार स्क्रीन ऐसे खोलनी और बंद नहीं करनी पड़ेगी इस मिररलेस कैमरे में। तो ये दूसरा सबसे बड़ा फायदा, मेरे को बहुत कमाल का फीचर लगा भाई ये वाला। अब दोस्तों इसका एक और फायदा मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करते हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वर्टिकली मोड में आपको वीडियो अपलोड करनी होती है, फेसबुक पर करनी है तो सारी जगह पर आपको जो फॉर्मेट होता है वो वर्टिकली होता है 9:16 एस्पेक्ट रेशियो वाला। इस कैमरे से अगर आप वर्टिकल वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर आपको एकदम 9:16 वाला ही एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा। आपको कोई भी एडिटिंग ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने के लिए। मतलब यहाँ से वर्टिकली शूट की, इससे फुटेज निकाली और आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं वर्टिकल मोड में। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है इस मिररलेस कैमरे में। अब देखो दोस्तों ये तो मैंने आपको फायदे बता दिए जो इसमें आपको मिलने वाले हैं, बट इसमें आपको मैं थोड़ी सी कमियां भी बताता हूँ। सबसे पहली कमी बता देता हूँ, क्योंकि जो मिररलेस कैमरे होते हैं हमारे वो थोड़े से कॉम्पैक्ट होते हैं साइज में, तो यहाँ पर जो आपको बैटरी मिलती है ये आपको 875 mAh की बैटरी मिलती है इसमें, जो कि आपकी थोड़ी छोटी पड़ जाती है। तो आप वीडियो वगैरह फोटो वगैरह क्लिक करते हो तो बैटरी बैकअप की थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आप दूसरी बैटरी खरीद के रखोगे अपने पास एक एक्स्ट्रा, फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कैमरे यूज करते हैं तो ये कैमरे किट लेंस के साथ आते हैं, जो कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो क्वालिटी, फोटो की क्वालिटी थोड़ी सी अपग्रेड करनी है तो उसके लिए आपको अलग से लेंस खरीदने पड़ेंगे। और अलग से जब आप लेंस खरीदते हैं तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, इस वाले कैमरे में आप DSLR के लेंस नहीं लगा सकते, क्योंकि एक मिररलेस कैमरा है। और अगर आप मिररलेस कैमरे के लेंस खरीदोगे तो सबसे पहली बात तो इतनी वैरायटी नहीं मिलती है मिररलेस कैमरे की आज की डेट में, और दूसरी चीज़ ये है कि जो मिररलेस के कैमरे आते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आपको DSLR के लेंस लगाने हैं अपने इस कैमरे में तो भाई उसके लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। ये है विल्ट्रॉक्स का एक एडप्टर, इस एडप्टर को लगाने के बाद ही आप इसमें DSLR के लेंस जो हैं लगा पाओगे। ये कुछ इस तरीके का एडप्टर आता है, और जब भी आपको DSLR के लेंस अटैच करने होंगे अपने इस कैमरे में तो ये एडप्टर आपको पहले लगाना होगा, उसके ऊपर आप DSLR के जो अदर लेंस होते हैं उनको आप लगा सकते हैं। इसकी प्राइस की बात बताऊँ तो ये 3,000 से 3,500 का पड़ जाएगा, बट अगर आप कैनन का खरीदते हो तो कैनन का आपको 14,000 से 15,000 में ये एडप्टर मिलेगा। तो भाई अगर आपका बजट है और आप ले सकते हो कैनन का एडप्टर तो बहुत बढ़िया, बट अगर आपको थोड़ा सा बजट कम है तो ये जो एडप्टर है ये भी मैंने यूज किया है, काफ़ी ज़बरदस्त है, इसको भी आप खरीद सकते हो 3,000 से 3,500 में ये आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा भाई यहाँ पर आपको खर्चे ज़्यादा करने पड़ जाएंगे अगर आप अदर लेंस यूज करोगे इस मिररलेस कैमरे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और थोड़ी बहुत अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए रखना ख्याल। जय हिंद।